हम लोग ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, हमारे लिए ये देखा जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ, हमारे लिए देखा जाएगा। आपको बात करो जेडीओ से, बात करो जेडीओ को बोलो, कहते हैं सीईओ करेगा, कौन करेगा? आप सिंगल टीचर, आपने टीचर को डाल के रखा, वो यहाँ मत आए। कौन करेगा? सही जो बात है ना, आपके पास एजुकेशन सर ढोडा उच्च तो आना, देखो वो लोग क्या काम कर रहे हैं। कल मीटिंग हुई डीसी के साथ सीईओ की, वो एबीसीडी ग्रेडिंग कर रहे हैं स्कूलों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए। आपको तो स्कूलों का ही नहीं पता होगा, मुझे 100% विश्वास है। आप कुछ नहीं कर रहे डिपार्टमेंट के लिए सर, इसलिए आज मजबूर हमें, और मजबूर मत करिए, आप काम करिए। सीईओ साहब ने हमें एक हफ्ते का टाइम दिया है कि एक हफ्ते में एप्लीकेशन दे दो, तो हमने अगले मंडे को फिर आना है और 15 जुलाई से पहले पहले हमने ये ट्रांसफर जो है सीएस साहब को बोल दिया है कि ये ट्रांसफर होनी चाहिए, तो नहीं तो फिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा उसके बाद। सीओ साहब जितने भी हमारे टीचर्स हैं जिनका टेन्योर जो है 3 साल से ऊपर हो चुका है, क्योंकि पिछले 5 साल से जनरल टीचर्स की ट्रांसफर्स नहीं हुई हैं, तो इसको लेकर के ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन के बैनर के नीचे आज पूरे 11 के 11 जोन से पुंछ में टीचर्स आए और यहाँ हमने 1 डे प्रोटेस्ट धरना रखा था। क्योंकि इससे पहले भी 4-5 बार हम सीईओ साहब से पिछले 4-5 महीनों से बार बार मिल रहे हैं कि भाई जनरल लाइन टीचर्स जो हैं उनकी एज पर ट्रांसफर पॉलिसी उनकी ट्रांसफर की जाए, मगर बार बार क्या हमें से यहाँ से ऐसे भेज दिया जाता रहा और कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे सीईओ साहब की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया। फाइनली आज हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग यहाँ आकर के धरना देंगे, फुल डे प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और यहाँ पर ऑर्डर निकले। काफ़ी देर की लगभग 2-2.5 घंटे तक लगातार हमारी सीईओ साहब से इस मामले को लेकर डिस्कशन चलती रही और फाइनली जो है सीईओ साहब ने ये ऑर्डर निकाला है कि एक हफ्ते के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हैं जिनका अपना स्टेज जो है वो मैच्योर है, वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉट जोन में लोग हैं जो है ठीक अपने सूटेबल उनकी एडजस्टमेंट हो। दूसरी बात ये कि हमने सीईओ साहब से ये भी कहा है कि उस कमेटी में ईमानदार लोग रखे जाएं ताकि जो ट्रांसफर्स हों वो फेयर हों, गलत ट्रांसफर्स हो, जेन्युइन केसेस को कहीं छोड़ा ना जाए, सही लोगों के ट्रांसफर्स हो और सही हो। इसके लिए हमने इनको टाइम दिया है ताकि अगले नेक्स्ट मंडे को हम लोग फिर इनके पास आएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कल हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकल जाए कि ट्रांसफर्स बैन हो जाए, उससे पहले ट्रांसफर्स हो, इसीलिए हमारा मिलना था यहाँ पर। और सीईओ साहब ने हमें एश्योरेंस दी है और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं इस प्रोसेस को जल्द से जल्द करूँगा और मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के उन सभी टीचरों से मेरी अपील है कि अगर आप इस टाइम में अगर रह जाएंगे, अगर हम ट्रांसफर्स को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो प्रोसेस हमारा जो मूवमेंट चल रही है, अगर बातचीत चल रही है, अगर हम थोड़े से भी हम पीछे हट जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में ट्रांसफर्स टीचर्स की नहीं होगी। तो लेकिन हमें सीओ सर और इनकी टीम पर भरोसा है कि ये ट्रांसफर्स करेंगे जल्दी, और मैं एक बार फिर थैंकफुल हूँ सीओ साहब का जिन्होंने आज हमारे कहने पर एक ऑर्डर भी निकाल दिया है। वो ऑर्डर आज सर्कुलेट हो जाएगा सभी ZDOs को और जो भी टीचर्स अपनी ट्रांसफर्स चाहते हैं वो ZDO साहिबान के पास अपनी एप्लीकेशन एक हफ्ते के अंदर जमा करें।